तो आप लोग एक्साइटेड हैं राजगीर टूर के लिए? तो यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। फिर से आपका दोस्त पंकज आपके साथ है। वैसे तो थंबनेल और टाइटल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर, और रात को 11 बजे आज हम लोग की ट्रेन है। तो आज से आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और मेरे साथ बहुत मेरे फ्रेंड लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट बैग पैक करते हैं, उसके बाद सीधे आपसे मिलेंगे सासाराम जंक्शन पर। फिर सासाराम जंक्शन से हम लोग जाएंगे राजगीर। फाइनली हमारा बैग पैक हो चुका है, चलिए फटाफट निकलते हैं सासाराम जॉनसन की ओर। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं सासाराम जॉनसन पर, तो चलिए अंदर चलते हैं। वाओ गाइज, आप देख सकते हैं सासाराम जंक्शन कितना खूबसूरत लग रहा है रात के समय में। मैंने आपको दिन के समय में तो दिखलाया हुआ, लेकिन आज मैं आपको रात के समय में दिखा रहा हूँ कि सासाराम जंक्शन आपको कैसा दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ का लाइटिंग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहीं पर हमारी ट्रेन आने वाली है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे फ्रेंड लोग भी आए हुए हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं राजगीर टूर के लिए? तो यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो हम लोग का एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। और ये देख लो भाई साहब, बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। जब से हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आए हैं तब से बारिश हो रही है, और देखते हैं आगे चलकर कि क्या होता है। कल तो सुबह पहुंच जाएंगे राजगीर, तो देखते हैं राजगीर पहुंचकर बारिश होता है कि नहीं। अगर हम लोग को वहां पर जाने के बाद बारिश देखने को मिलेगी तो हम लोग का मज़ा बहुत किरकिराने वाला है दोस्तों। तो अब तक रेलवे स्टेशन पर हम लोग का आए हुए लगभग 4-5 घंटा हो गए हैं, और अभी रात के 11:30 बज गए हैं, और हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। देखते हैं ट्रेन कब आती है, ट्रेन आने के बाद आपसे मिलते हैं। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हम लोग की ट्रेन आ चुकी है। तो फाइनली अब हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं, और ट्रेन भी खुल गई है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो अभी तो रात है, आपको शायद बाहर का नज़ारा बढ़िया तरीके से मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं सीधे राजगीर रेलवे। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Jahanabad station par, aur yahan se hum log chalenge seedhe Patna junction ki aur. To chaliye chalte hain yahan se Patna, phir Patna se hum log jayenge Rajgir. तो अभी रात के 3 बज गए हैं, और हम लोग पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं, और पटना जंक्शन से राजगीर जाने में लगभग हम लोग को 2
दो या तीन घंटा लगभग और लग जाएगा। तो हम लोग ट्रेन में सोते होते बिल्कुल नहीं, पूरा जाग कर आए हैं रात भर। तो देखते हैं क्या आगे का सीन रहता है। तो ये है पटना जंक्शन। तो ट्रेन में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए थे, अब जाके काफ़ी आराम मिल रहा है। और ये हम लोग आ चुके हैं अभी पटना जंक्शन पर, और हम लोग पटना जंक्शन से जाएंगे राजगीर। तो हम लोग यहाँ पर पटना जंक्शन पर चिल आउट करने के लिए निकले हैं, और यहाँ पर मेरे फ्रेंड लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार शरीफ जंक्शन पर, और यहाँ से हम लोग को लगभग एक घंटा राजगीर जाने में लगेगा। तो चलिए आपसे सीधे मिलते हैं राजगीर जंक्शन पर। सो गाइज फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर। अभी हम लोग हैं राजगीर रेलवे स्टेशन पर, और अभी सुबह के 5 बज गए हैं। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं पीछे का नजारा काफी खूबसूरत है, रेलवे स्टेशन है। तो हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं। तो हम लोग यहां से राजगीर रेलवे स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मकुंड। तो चलिए राजगीर रेलवे स्टेशन से ब्रह्मकुंड की अद्भुत शानदार जर्नी शुरू करते हैं। तो हम सभी लोग टोटो पर बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मकुंड की ओर। चलिए हम लोग यहां से ब्रह्मकुंड की अद्भुत शानदार जर्नी शुरू करते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं टमटम। राजगीर में टमटम की अलग ही वाइब है। सो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्मकुंड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भव्य गेट है, और आज मैंने आपको सासाराम से लेकर राजगीर तक का सफ़र दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाले अगले मेरी वीडियो में मैं आपको ब्रह्मकुंड की शानदार यात्रा करवाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय।